तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन मसाला की रेसिपी। आप देख सकते हैं, देखने में जितने मजे के लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चपाती, रोटी, नान, कुलचे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, जिसमें हमने एक कप भर के ऑयल डाल दिया। तेल हमारा अच्छे से गर्म जाएगा तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें यहाँ पे हमने दो तेज पत्ते लिए, दो टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली है। इसको हमें डाल देना है, सभी मसालों को तेल में अच्छे से तड़का देना है, इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे स्लाइसेस में भी कट कर लेते हैं। और 2 से 3 यहाँ पे हमने साबुत हरी मिर्च ली है, इसको डाल देना है। डाल के चलाते हैं अच्छे से, हमें इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक के इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको जो है डार्क जो है गोल्डन कलर नहीं करना है, बस हल्का सा लाइट कलर करने तक के हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमें हाई रखना है। इधर हमने प्याज को चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं प्याज में हल्का हल्का सा पिंक कलर आना शुरू हो गया। बस हमें प्याज को इतनी ही फ्राई करनी है, इसके बाद हम प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिए थे, जिसको हमने अच्छे से धो के इसके पानी को फ्राई कर लिया था। अब 1 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह से जो है हम इसको पका लेंगे इसको प्याज के साथ, ताकि इसका कलर वगैरह एकदम चेंज करना चाहिए। फ्लेम को यहाँ पर आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही इसको अच्छे से हमें पका लेना है। इधर हमने 1 मिनट तक के हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर वगैरह एकदम चेंज हो गया। अब इसी के साथ ही 1.5 टीस्पून से हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसी के साथ ही इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून से नमक डाल दिए। नमक डाल के फ्लेम पर हमने अभी भी हाई रखा है, हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन के साथ भी चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म नहीं होता है, तब तक हम इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर आप मीडियम टू हाई रखिएगा। इधर हमने अदरक लहसुन के साथ भी चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिकन में से खुशबू आने लगी है, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको हमने इस तरह से जो है चॉप कर लिया, बारीक बारीक। आप चाहें तो इसे ग्रेटर से चॉप कर लीजिए या फिर जनजर में ज़रा से इसका पाउडर बना लीजिएगा। इसी के साथ ही इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। डाल के सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम पे यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक इस तरह से पकने देंगे। इधर हमारे चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर वगैरह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया, चिकन भी हमारा जो है 50 से 60% तक के अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें उसी स्टेज पे 1 टीस्पून इसमें हम चिकन मसाला डाल देंगे। इसी के साथ ही यहाँ पे इसमें दही डाल देंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी वाली नहीं लीजिएगा, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वही दही ले लीजिएगा। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखिएगा, लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको हम फिर से कवर कर देंगे और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। इधर हमारे चिकन को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन जो है दही के साथ भी पक चुका है। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखा था, लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से पका लिया है। दही वगैरह सब हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। अब स्टेज पे यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देना है। आपके पास जो भी हमें अवेलेबल है आप उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने होम मेड गर्म मसाला इसमें डाला है। डाल के आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर इसकी अच्छे से हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। जो हमें अच्छे से आप इसकी भुनाई करेंगे उतने ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने फ्लेम को हाई रखा था, हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। इसमें से तेल वगैरह जो है अच्छे से छूट गया है। आप चाहें तो इसकी और भी भुनाई कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसमें ग्रेवी लगाना चाहते हैं तो स्टेज पे यहाँ पे आप 1 कप इसमें पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम इसमें ग्रेवी नहीं लगाएंगे, इसी तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर आप कुछ फ्रेश हरा धनिया इसमें काट के डाल दीजिए, डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हमें बंद कर देना। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं।
इधर हमारा ढाबा स्टाइल चिकन मसाला एकदम तैयार, आप देख सकते हैं। देखने में जितने मजे लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।